Hello everyone, I am Trapti Parin. I am working as a legal intern in Lexis and Company. In this video, I will discuss about legal magazine voluntary non-fit injury. So, voluntary means voluntarily or willingly, और injury means injury or harm. हमें कोई भी injury या harm हुई है voluntarily और willingly, तो इसी को ही हम voluntary non-fit injury बोलते हैं. इस लीगल मैगजीम को हम एक एग्जांपल से समझते हैं. जैसे हम किसी स्टेडियम में मैच देखने के लिए गए, वहाँ पर किसी ए पर्सन को इस तरीके से बैटिंग हुई है कि किसी ए पर्सन को बॉल लग गई, उसके सर पर इंजरी हो गई, वो हॉस्पिटल गया, उसने ट्रीटमेंट करवाया, और तो क्या कोर्ट के अंदर वो उसका जो भी ट्रीटमेंट का जो भी खर्चा था, क्या वो कोर्ट के अंदर स्टेडियम से या फिर बैटमैन से कंपनसेशन क्लेम कर सकता है कि मुझे कंपनसेशन दो, मुझे इंजरी हुई है क्योंकि मैं आपके स्टेडियम में मैच देखने के लिए आया था. तो इसका सीधा रिप्लाई है जी नहीं, वो कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकता है क्योंकि वॉलेंटरीली उसकी ही मर्जी से विलिंगलेसली वो वहाँ पे गया और उसको इंजरी हुई है, ये जानते हुए भी कि उसको वहाँ पर इंजरी हो सकती है. तो इसी को हम बोलते हैं वॉलेंटरी नॉन फिट इंजुरी. सेम इन द केस ऑफ बॉक्सिंग मैच. इसमें क्या होता है, इसमें जैसे कि हम जानते हैं कि बॉक्सिंग मैच के अंदर दो जने लड़ते हैं और इसमें इसे अगर किसी एक को भी इंजरी हो जाती है या हार्म हो जाता है तो इसके अंदर वो कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकते हैं. इसके अंदर वो खुद उन्होंने एग्रीमेंट पर साइन करते हैं कि अगर हमको कोई भी इंजरी होती है तो हम कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पता होता है कि अगर हम मैच लड़ेंगे तो हमको इंजरी हो सकती है. हम वॉलेंटरीली मैच लड़ते हैं ये जानते हुए भी कि अगर हम मैच लड़ेंगे, अगर हम बॉक्सिंग करेंगे तो हमको इंजरी हो सकती है. तो यही होता है वॉलेंटरी नॉन फिट इंजुरिया. अब हम एक केस देखते हैं, हॉल वर्सेस ऑटो. अब हम केस देखते हैं हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड ऑटो रेसिंग क्लब. इस केस के अंदर क्या हुआ था, दो कार की रेसिंग हो रही थी और रेसिंग होते टाइम उन दो कारों का एक्सीडेंट हो गया, दोनों कार क्लैश हो गई और उस टाइम उस कार का एक पार्ट एक ऑडियंस के ऊपर जाकर गिर गया और उनमें से एक पर्सन को इंजरी हो गई. बाद में उस पर्सन ने कोर्ट के अंदर केस किया और कंपनसेशन क्लेम किया, लेकिन कोर्ट ने साफ मना कर दिया ये कहते हुए कि आपको रिस्क की नॉलेज थी, वहाँ पर आपको पता था कि अगर आप वहाँ जाएंगे, इट इज़ वेरी ऑब्वियस एंड अंडरस्टूड दैट कि अगर आप ऐसी जगह जा रहे हैं, अगर आप रेसिंग देखने जा रहे हैं तो वहाँ पर एक्सीडेंट हो सकते हैं और आपको भी इंजरी और हार्म हो सकती है, तो आपने वहाँ पर अपनी कंसेंट दी, आपने टिकट खरीदा है. जैसे ही आपने वहाँ पर टिकट खरीदा है तो आपने अपनी कंसेंट दी है कि हाँ मुझे इंजरी हो सकती है, तो इस केस के अंदर आप कंपनसेशन और डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते हैं. और इस केस के अंदर कोर्ट ने डैमेजेस के लिए और कंपनसेशन के लिए साफ मना कर दिया. एक और केस की हम बात करें तो वुलरिच वर्सेस समर के अंदर एक हॉर्स राइडिंग हो रही होती है और एक फोटोग्राफर बहुत पास में जाकर हॉर्सेस की फ़ोटो ले रहा होता है. उस दौरान उसको एक हॉर्स से चोट लग जाती है, इंजरी हो जाती है. बाद में वो कोर्ट के अंदर कंपनसेशन के लिए क्लेम करता है कि मुझे कंपनसेशन मिलना चाहिए, लेकिन कोर्ट साफ मना कर देती है कंपनसेशन देने के लिए, क्योंकि उसको पता होता है कि अगर वो पास में जाकर फोटोग्राफी करेगा तो उसको इंजरी हो जाएगी, उसको रिस्क की नॉलेज होती है कि अगर वो वहाँ जाकर फोटोग्राफी करेगा तो उसको इंजरी हो सकती है. फिर भी वो गया तो उसने अपनी कंसेंट दी है, कंसेंट से वो गया है. इस केस के अंदर कोर्ट उसको कंपनसेशन नहीं देता है. तो अब हम देखते हैं इन सब केसेस से और इन सारे इलस्ट्रेशन से वॉलेंटरी नॉन फिट इंजुरिया के क्या एसेंशियल्स निकलता है. पहला ये निकलता है, इट मस्ट बी अ फ्री कंसेंट होनी चाहिए.
कोई भी फ्रॉड नहीं होना चाहिए, कोई भी मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए। अगर वो हॉर्स राइडिंग देखने जा रहा है या वो मैच देखने जा रहा है तो वो फ्री कंसेंट से जाना चाहिए, वो अपनी इच्छा से जाना चाहिए, ज़बरदस्ती या किसी फ्रॉड से वो नहीं जाना चाहिए। अगर उसके अंदर मिस रिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड होगा उसकी कंसेंट में, अगर वो फ्री कंसेंट से नहीं जाएगा तो वो वॉलेंटरी नॉन फिट इंजुरिया के केसेस में नहीं आएगा। सेकंड एसेंशियल ये आता है, एक्ट शुड बी लीगल। जो भी हम एक्ट किया है वो लीगल होना चाहिए। अगर वो इलीगल होगा तो उसके अंदर वॉलेंटरी नॉन फिट इंजुरिया नहीं अप्लाई होगा, क्योंकि वो खुद में ही एक क्राइम हो जाता है। तो एक्ट लीगल होना चाहिए। थर्ड यहाँ पर आ जाता है नॉलेज ऑफ रिस्क, यानी कि जो वो पर्सन है उसको पता है कि उसको अगर वो वहाँ जाएगा या वो उस मैच को अटेंड करेगा, जैसे कि हमने हॉर्स राइडिंग वाले केस के अंदर देखा था कि उस फोटोग्राफर को पता था कि अगर मैं पास जाकर हॉर्स की फ़ोटोज़ लूँगा तो मुझे हार्म होने का रिस्क है, मुझे इंजरी हो सकती है। तो नॉलेज ऑफ रिस्क होना ज़रूरी है वॉलेंटरी नॉन फिट इंजुरिया के अंदर। अगर उसको रिस्क की नॉलेज नहीं होगी तो वो वॉलेंटरी नॉन फिट इंजुरिया के अंदर नहीं आएगा। तो आज हमने देखा कि वॉलेंटरी नॉन फिट इंजुरिया क्या होता है और उसके असेंशियल क्या होते हैं। पहला असेंशियल, इट देयर मस्ट बी अ फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट होनी चाहिए। दूसरा, इट द एक्ट मस्ट बी लीगल, एक्ट लीगल होना चाहिए। एंड लास्ट, देयर मस्ट बी अ नॉलेज ऑफ रिस्क होनी चाहिए। सो आई होप आपके कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।